मैं दिव्यांश जैन, जैसे हार्दिक भैया ने मेरा इंट्रोडक्शन आप सबको दे ही दिया है, पर इनकी बातों पे भरोसा ना करें क्योंकि मैं तो बहुत ही मतलब छोटा दर्जे का फनकार हूँ, लिखना की थोड़ा प्रयास करता हूँ। ये लोग मुझे बुला लेते हैं, मैं गरीबों की तरह आ जाता हूँ। इन लोगों का करम है और कुछ नहीं, इन लोगों की जो कृपा है, नहीं मुझे बड़ा किया है तो ये ज्यादा हो रहा है तो आज मैं कुछ गजलें, कुछ मक्ते, कुछ शेर आप लोगों के सामने पेश करूंगा और ये सब मेरे लिखे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इस बात को सुने और मेरे दर्द को सुन लें। तो ये जो गजल है इसका जो पहला शेर है, सबका मैं ध्यान चाहूंगा इस पर कि इसे सिर्फ एक चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए, इसे सिर्फ एक चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए, अगर कोई बेघर है तो उसका मका बनवाया जाए। इसे सिर्फ एक चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए, इसे सिर्फ एक चुनावी मुद्दा ना बनाया जाए, अगर कोई बेघर है तो उसका मका बनवाया जाए। और इश्क में हारे जवान लड़कों से, हार्दिक भैया ये सब लोग यहाँ सुने हैं जो भी इश्क में हारे जवान लड़के हैं, इस बात से थोड़ा मैं बुढ़ापे पे हूँ अपने, इत्तेफाक रखेंगे कि इश्क में हारे जवान लड़कों से इंतकाम लेकर वक्त जाया ना किया जाए। इश्क में हारे जवान लड़कों से इंतकाम लेकर वक्त जाया ना किया जाए, और जिंदगी ने दी है मुझको नसीहतें काफी। जिंदगी ने, हार्दिक भैया ये आप मेरे बड़े भाई जैसे हो और आपके लिए एक नसीहत, सब लोगों के लिए इधर नसीहत है कि जिंदगी ने दी है मुझको नसीहतें काफी, दूसरों की बातों पर हौसला ना गिराया जाए। जिंदगी ने दी है मुझको नसीहतें काफी, दूसरों की बातों पर हौसला ना गिराया जाए, और अब मुझे खुद के दर्द पर भी ऐब होने लगा है, मुझे खुद के दर्द पर भी ऐब होने लगा है, मुझे अब टूटा हुआ आईना दिखाया जाए। मुझे अब खुद के दर्द पर भी ऐब होने लगा है, मुझे अब टूटा हुआ आईना दिखाया जाए, और इश्क अब कभी मुतमईन नहीं हो सकता, इश्क अब कभी मुतमईन नहीं हो सकता, इसे अब दिलों का मसला ना बनाया जाए। इश्क अब कभी मुतमईन नहीं हो सकता, तुम बड़े देर से आए, इश्क अब कभी मुतमईन नहीं हो सकता, इसे अब दिलों का मसला ना बनाया जाए। तो ये गजल सुनाने से पहले कुछ शेर अर्ज करना चाहूंगा कि ये रसमन का मिलना तो सिर्फ एक दिखावा होता है, ये रसमन का मिलना तो सिर्फ एक दिखावा होता है, वो आ जाता है जिसे मिलने आना होता है। ये रसमन का मिलना तो सिर्फ एक दिखावा होता है, वो आ जाता है जिसे सिर्फ मिलने आना होता है, और ये इल्म होकर भी हम काफिर रो रहे हैं, ये इल्म होकर भी हम काफिर रो रहे हैं, मोहब्बत का मकसद तो बिछड़ जाना होता है, मोहब्बत का मकसद तो बिछड़ जाना होता है। और ये शेर आप लोगों को नजर करना चाहूंगा, जो लोग साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, जो लोग साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, क्या वो किसी की कब्र पर भी नजर आते हैं? जो लोग साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, क्या वो किसी की कब्र पर भी नजर आते हैं? और तुमने क्या कहा था इलाहाबाद में मिलना, तुमने क्या कहा था इलाहाबाद में मिलना, उत्तर प्रदेश में तो शहर के नाम बदल जाते हैं, उत्तर प्रदेश में तो शहर के नाम बदल जाते हैं, और इस शहर में तो दोस्त भी दुश्मन बन जाते हैं। हार्दिक भैया को ज्यादा समझ में आएगी शायद, इस शहर में तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, चलो कुछ दिन गांव ठहर कर आते हैं, चलो कुछ दिन गांव ठहर कर आते हैं,
शांतनु मैं अपने अजीजों पर इसलिए भरोसा नहीं करता मैं अपने अजीजों पर इसलिए भरोसा नहीं करता, ये कुछ कहकर कुछ और ही कर जाते हैं। क्या बात, ये कुछ कहकर कुछ और ही कर जाते हैं। और कोई इन लड़कों को, जो सारे लड़के हैं जो मेरे भाई जैसे हैं सब लोग इस चीज को समझेंगे, कोई इन लड़कों को रोने का हुनर अता करे, कोई इन लड़कों को रोने का हुनर अता करे। अब लड़के, मैंने सुना है अब लड़के जवानी में मर जाते हैं, मैंने सुना है अब लड़के जवानी में मर जाते हैं। तो ये गजल है जिसपे मैं सारे शायरों की और सारे लोगों की दाद चाहूंगा। पीछे वालों से दाद थोड़ी कम मिल रही है, शायद खाना खा के नहीं आया आज। तो सोचा नहीं था ऐसा वक्त भी आएगा, शांतनु सोचा नहीं था ऐसा वक्त भी आएगा कि एक अरसा अब तुम्हारे बगैर गुजारा जाएगा, कि एक अरसा अब तुम्हारे बगैर गुजारा जाएगा। और ये जिस घर की खातिर वालिद की जिंदगी गुजर रही है, और ये जिस घर की खातिर वालिद की जिंदगी गुजर रही है, मुश्किलात के वक्त इनमें से कोई नजर नहीं आए, मुश्किलात के वक्त इनमें से कोई नजर नहीं आएगा। जिस रहनुमा ने चुनाव के वक्त काफी खातिर की होगी, जिस रहनुमा ने चुनाव के वक्त काफी खातिर की होगी, गद्दी पर काबिज होने पर ये लोगों की जमीनें खाएगा, गद्दी पर काबिज होने पर ये लोगों की जमीनें खाएगा। और उसके इंतकाल पर तो सारे नजूमी हैरान थे, उसके इंतकाल पर तो सारे नजूमी हैरान थे, सभी बेखबर थे कि ये जवानी में मर जाएगा, सभी बेखबर थे कि ये जवानी में मर जाएगा। और इस शेर पे मैं सबकी जो ध्यान और सबका आकर्षण जानना चाहूंगा कि एक बच्चे ने मेरे दराज में माँ बाप की यादें देख ली, एक बच्चे ने मेरे दराज में माँ बाप की यादें देख ली है। मैं सोचता हूँ क्या वो यतीम अब कभी मुस्कुरा पाएगा, क्या बात, मैं सोचता हूँ क्या वो यतीम अब कभी मुस्कुरा पाएगा। और ये गजल पे मैं सबका ध्यान चाहता हूँ कि कौन सा रिश्ता पनपता है निभाने के लिए, कौन सा रिश्ता बनता है निभाने के लिए, सब रिश्ते बनते हैं टूट जाने के लिए, कौन सा रिश्ता पनपता है निभाने के लिए, सब रिश्ते बनते हैं टूट जाने के लिए। कुछ लोग जिंदगी में आए रिश्तेदारों की तरह, कुछ लोग जिंदगी में आए रिश्तेदारों की तरह, कोई नहीं आए यहाँ पर ठहर जाने के लिए। कुछ लोग जिंदगी में आए रिश्तेदारों की तरह, कोई आता नहीं जिंदगी में अब ठहर जाने के लिए। और मोहब्बत क्या होती है मजदूरों से पूछो, मोहब्बत क्या होती है मजदूरों से पूछो, उम्र गुजरी है जिनकी ताजमहल बनाने के लिए, उम्र गुजरी है जिनकी ताजमहल बनाने के लिए। और वो जवान लड़के जो गांव से शहर जा रहे हैं, वो जवान लड़के जो गांव से शहर जा रहे हैं, हर रोज जी लेते हैं गांव वापस लौट जाने के लिए, हर रोज जी लेते हैं गांव वापस लौट जाने के लिए। ये जो फलसफा है मुझे कभी समझ ना आया, ये जो फलसफा है मुझे कभी समझ ना आया, हम जीते हैं एक दिन मर जाने के लिए। ये जो फलसफा है मुझे कभी समझ ना आया, हम जीते हैं एक दिन सिर्फ मर जाने के लिए। और ये कुछ शेर है कि हम भी जाएंगे मस्जिद का तकाजा करने, हम भी जाएंगे मस्जिद का तकाजा करने, यहाँ दिलों में नहीं दीवारों में खुदा बसता है, क्या बात है, यहाँ दिलों में नहीं दीवारों में खुदा बसता है। और कवायतों की आबरू पर बस इतना करम करना, कवायतों की आबरू पर बस इतना करम करना, जिनके जिस्म बिक रहे हैं उनकी रूह को सलाम कर, लोग सुनना चाहें तो मैं एक और गजल सुनाऊंगा। राहिल जो जी पाते हैं कुछ वक्त के लिए, राहिल जो जी पाते हैं कुछ वक्त के लिए, वही टीच दे जाते हैं उम्र भर के लिए, राहिल जो जी पाते हैं कुछ वक्त के लिए, वही टीच दे जाते हैं उम्र भर के लिए। दो मोहब्बत करने वाले इसलिए जुदा हुए, दो मोहब्बत करने वाले इसलिए जुदा हुए, लड़कपन में अशकों की हिफाजत के लिए, लड़कपन में अशकों की हिफाजत के लिए। यहाँ भवरे
इश्क लड़ा रहे हैं कच्ची कलियों से, यहाँ भवरे इश्क लड़ा रहे हैं कच्ची कलियों से, और अब इस दिल में जगह नहीं मोहब्बत के लिए। सारी उम्र वफा की कीमत समझ ना आई, शांतनु सारी उम्र वफा की कीमत सारी उम्र तुम भोपाल से आए हो तो आज तुम्हारी वजह ले लिए जाए, मैंने सोचा चलो कि सारी उम्र वफा की कीमत समझना है। लोग आए थे जिंदगी में सिर्फ तिजारत के लिए, क्या बात है, क्या बात है, लोग आए थे जिंदगी में सिर्फ तिजारत के लिए। हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगने वाले, हिंदू मुस्लिम करके वोट मांगने वालों, क्या यही पैतरा बाकी है हुकूमत के लिए, क्या बात है। ये गजल जो मैंने एक दोस्त के लिए लिखी थी, तुम्हारे लिए नहीं लिखी थी शायद, सोच के मत चलना। ये गजल जो मैंने अपने एक दोस्त के लिए लिखी थी, तो इसका जो पहला शेर है मैं ऐसा है कि हमसे ना पूछो कैसे हमने ये वक्त गुजारा है, हमसे ना पूछो कैसे हमने ये वक्त गुजारा है, सबसे गहरा खंजर मुझे मेरे दोस्त ने मारा है, सबसे गहरा खंजर मुझे मेरे दोस्त ने मारा है। दुनिया उजड़ गई है ये सितम देखकर, दुनिया उजड़ गई है ये सितम देखकर, हम चीख चीख कर कहते थे ऐसा गांव आ रहा है, हम चीख चीख कर कहते थे ऐसा गांव आ रहा है। रिश्ते बेहाल हुए हैं मेरे ही घर में, रिश्ते बेहाल हुए हैं मेरे ही घर में, भाई भाई से बोला है ये सब तुम्हारा है, भाई भाई से बोला है ये सब तुम्हारा है। जिन आंखों में पिता के बुढ़ापे की आस बसती है, जिन आंखों में पिता के बुढ़ापे की आस बसती है, आज उसी सपूत ने उन्हें सरेआम दिखाया, अब इन आंखों में बस है एक समंदर बाकी, अब इन आंखों में बस है एक समंदर बाकी, अरसे पहले डूब चुका मोहब्बत का किनारा है, अरसे पहले डूब चुका मोहब्बत, और वही सुलाए जाएंगे पैरों तले इस सफर में, वही सुलाए जाएंगे पैरों तले इस सफर में, जिनको ये वतन जान से प्यार है। और ये लास्ट गजल, इसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा, बहुत लंबा खिंच गया, माफी चाहूंगा सबसे कि ये लास्ट गजल और मैं अपनी जगह लूंगा कि मेरे सारे मकसद तो मेरी जुबान पर रहते हैं, इसलिए जिंदगी में हम नाकाम रहते हैं, इसलिए जिंदगी में हम नाकाम रहते हैं। जो नफरतें तलाशते हैं सारे जहान में उनकी जान के दुश्मन तो बगल के मकान में रहते हैं, और इसलिए भी तो उसने हिजर के वक्त मेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए भी उसने हिजर के वक्त मेरा हाथ नहीं छोड़ा, जो किस्मत में नहीं होते दिल में हमेशा रहते हैं, क्या बात, जो किस्मत, एक अरसा हुआ है मोहब्बत का मौसम देखे हुए, एक अरसा हुआ है मोहब्बत का मौसम देखे हुए, इश्क में हारे हुए लोग अब अक्सर किताबों में रहते हैं, क्या बात, इश्क में हारे हुए लोग अब अक्सर किताबों में रहते हैं, और ये तो सच है कि दिव्य मोहब्बत नहीं कर सकता, ये तो सच है कि दिव्य मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं भूल चुका हूँ आपकी शायरी अब किसे कहते, शायरों के लिए कुछ करवाने का बहुत पहले से